हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना व्लॉग्स। मैंगो सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैंगो से कुछ बनाया जाए, इसलिए आज मैं मैंगो केक बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरी कोई भी नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास आएगी। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं मैंगो केक। आज हम मैंगो केक बनाने जा रहे हैं और मैंगो केक बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज का अच्छा पका हुआ मीठा आम लिया है। इसके लिए हमें मीठे आम की जरूरत होगी क्योंकि खट्टे आम से केक में वो खटास आ जाती है जो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जब भी आप केक बनाए तो टेस्ट करके मीठे आम ही यूज करें। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज के मीठे आम लिए हैं। अगर बड़े आम हो तो एक ही आम लेना है क्योंकि हमें जो पल्प चाहिए वो करीब 1 कटोरी पल्प चाहिए। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज के आम लिए हैं। अब इन्हें छील कर अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश कर दिया है, इसका पानी भी अच्छे से सुखा दिया है। अब मैं इसे छीलने जा रही हूँ। हमने मैंगो को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है और आप देख सकते हैं कितना पका हुआ ये मैंगो है, पूरा जूस भी निकल चुका है। तो अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करने के बाद हम मैंगो ग्लेज बनाएंगे। ग्लेज बनाने के लिए हमें सिर्फ ये मैंगो प्यूरी और ये 4 चम्मच मैंने शुगर लिया है तो इसे ऐड करना है। तो चलिए पहले हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी प्यूरी तैयार हुई है। अब हम मैंगो ग्लेज बना लेते हैं। तो ग्लेज बनाने के लिए हमने ये पैन चढ़ा दिया है और इसमें हम ये मैंगो प्यूरी डालेंगे और साथ ही शुगर भी ऐड कर देंगे। अब हाई फ्लेम पर हम शुगर डिसॉल्व होने देंगे और जब ये मिल जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा, तब हमें ये 4 से 5 मिनट तक कुक करना है। तो मैंने इसे 5 मिनट कुक किया है और देख सकते हैं ये ट्रांसलूसेंट हो चुका है और अब ये पैन भी छोड़ने लगा है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर में आने देंगे। मैंने कढ़ाई में ये नमक डाल दिया है और नमक के ऊपर एक स्टैंड डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप कटोरी भी यूज कर सकते हैं। और इसे हम प्री हीट होने के लिए रखेंगे करीब 5 मिनट, उसके बाद हम इसमें केक बेक होने के लिए रखेंगे। सबसे पहले हमें जिस भी बर्तन में केक बनाना है उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और फिर उस पर बटर पेपर डालेंगे। अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे मैदे से उसे चारों तरफ से कोट कर सकते हैं। तो मैंने इसे पहले से करके रखा है। अब हम केक का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। केक का मिक्सचर बनाने के लिए मैंने ये करीब 1.5 कटोरी मैदा लिया है। ये मैदा मैंने इस कटोरी के हिसाब से 1.5 कटोरी लिया है। फिर ये मैंने 1.5 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर लिए हैं और उसी चम्मच से 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। 1/2 कटोरी मैंने ऑयल लिया है, इसके बदले आप बटर भी यूज कर सकते हैं। वेनिला एसेंस लिया है, पाउडर शुगर लिया है 1 कटोरी और मैंने ये टूटी फ्रूटी लिया है। इसे मैंने घर पर ही बनाया था। मैंने इसकी रेसिपी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ये मैंने 100 ml मिल्क लिया है, ये यूज करूंगी। और ये जो मैंने मैंगो ग्लेज बनाया था इसमें से 4 टेबल स्पून जो है हमें इसमें यूज करना है। तो चलिए मिक्सर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम पाउडर शुगर लेंगे। इसे आसानी से आप घर पर ही शुगर को ग्राइंड करके बना सकते हैं। ऑयल यूज करेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही जो मिल्क था 100 ml इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट जो है ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। ये मैदा मैंने लिया है, बेकिंग सोडा और ये बेकिंग पाउडर, इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। मैंने डाल दिया और साथ ही इसमें कुछ ड्रॉप वेनिला एसेंस के डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और याद रखिए एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है। इस तरीके से इससे ये होता है कि ये बहुत ही फ्लफी बनेगा केक, इससे बहुत इसका स्मूथ टेक्सचर आएगा, इसलिए हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अब इसमें हम ये 4 टीस्पून जो है हम ये मैंगो ग्लेज डालेंगे।
इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, बिल्कुल भी इसमें कोई कलर ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैंगो ग्लेज की वजह से कितना अच्छा कलर आ गया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। ये मिक्सचर रेडी हो गया है, अब इसमें हम इसे बर्तन में डाल देंगे जिसमें भी हम बेक करना चाहते हैं। पहले हम आधा ही जो मिक्सचर वो डालेंगे, उसके बाद हम ये जो टूटी फ्रूटी हमने बताया था इसे हम ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, मैंने पहले ही बताया है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके बदले अगर आप ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप प्लेन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अब हम बचे हुए मिक्सचर को इसके ऊपर डालेंगे। अब इसे हम टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल हो वो निकल जाए। अब इसे हम कढ़ाई में जाके डालेंगे। अब हम इसमें केक बेक होने के लिए रख देते हैं, मैंने इसे प्री हीट होने के लिए रखा था, इसे डाल देती हूँ। और अब ये इसमें डाल देती हूँ। और इसे किसी कपड़े से अच्छे से कवर कर देंगे, किसी टॉवल से, ताकि एयर जो है कहीं निकले नहीं, इस तरीके से। और करीब 30 से 35 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे, तब तक इसे बेक होने देते हैं लो फ्लेम पर। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, देखिए मैंने ये चॉकलेट लिए हैं, और ये चॉकलेट को मैंने करीब 2 चम्मच मिल्क में इसे मेल्ट होने के लिए रखा है। ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इसे किसी गर्म पानी के बर्तन में इसे डाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए, और फिर इसका मैं कोन तैयार कर लूंगी। तो 40 मिनट करीब हो गए हैं और मैं ये केक देख लेती हूँ, तो ये फूल चुका है। अब चेक करना है कि ये पका है कि नहीं, तो मैंने ये नाइफ डाल के चेक कर लेती हूँ। और देखिए एकदम क्लीन निकल गया, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम उतार लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल चुका है, फ्लफी हो गया है और चारों तरफ से किनारे भी छोड़ दिया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर में आने देंगे, उसके बाद इसे निकालेंगे। तो देखिए केक बन के तैयार है, अब इसे हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। और देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है, देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। अब इसे हम, इसका ऊपर का ये लेयर है इसे हम काट देंगे, और तब इसे मैंगो ग्लेज से डेकोरेट करेंगे। तो इसे हम कट कर देते हैं। देखिए अब हमने ऊपर से कट करके हटा दिया और टूटी फ्रूटी का कलर भी आ रहा है। अब इसे हम मैंगो ग्लेज से डेकोरेट करेंगे। इस केक की सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसे आइसिंग की जरूरत नहीं होती है, ये बस ग्लेज से इतना सुंदर दिखने लगता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है ये। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैंने इसे ग्लेज से डेकोरेट कर दिया है। अब ये मैंने चॉकलेट का कोन बनाया था, इसे मैंने मेल्ट करके दिखाया था, अब इसका ये कोन मैं काट के इसे डेकोरेट कर लेती हूँ। तो मैंने चॉकलेट से इस तरीके से कर दिया है। एक्चुअली मेरे कोन में चॉकलेट जो था थोड़ा सॉलिड होने लगा था, तो कोन में अटकने लगा था, इसलिए मोटी लाइनें हुई। तो मैंगो केक बन के तैयार है। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।